जय बजरंगबली, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। हेलो, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। तो आज मैं जा रहा हूँ जिस गांव से रुका था, उस गांव से तुंगनाथ मंदिर की तरफ। तो कैसा रहता है सफ़र, क्या रहता है, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। फिलहाल गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो सफ़र की शुरुआत तो हो चुकी है, सुबह सुबह बज रहे हैं 7:15 और मैं निकल चुका हूँ तुंगनाथ के लिए। गोपेश्वर से चोपता के बीच में जो रोड है, डिस्टेंस है जाने का, सच में रोड तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फॉरेस्ट के बीच से जाना होता है और चारों तरफ ब्यूटी, क्या ही लाजवाब है सच में। इसे यूं ही नहीं बोलते कि भाई स्विट्ज़रलैंड है। तो ये रहा गेट जहाँ से हमारी प्रॉपर ट्रैकिंग होती है शुरुआत। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। ठंडी लग रही है भैया, हर हर महादेव। बात करें तुंगनाथ चढ़ाई की, तो रास्ता तो बना रखा है इन्होंने, पर थोड़ी सी चढ़ाई जो है बहुत स्टीप है। 4 किलोमीटर का ही यात्रा है, पर चढ़ाई है ऐसी। तुंगनाथ मंदिर के बारे में ये कुछ यहाँ पे लिखा गया है, पूरा आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। इस मंदिर की क्या विशेषता है, क्या सारी चीज़ें हैं भगवान शंकर के रिलेटेड, चंद्रमा के रिलेटेड, आप इसमें पूरा डिटेल लिखा गया है। बात करें रास्ते की, तो कुछ यूँ झिकझैक है, देख सकते हो, गोल गोल घूम घूम के ऊपर पहाड़ों पे जाना पड़ रहा है। थोड़ी सी आए तो अभी 1 से 1.5 किलोमीटर ही रहेंगे, पर हालत भाई फुल ऑन खराब, बिकॉज बहुत ही स्टीप चढ़ाई। मंदिर से हार्डली एक किलोमीटर का और सफ़र रह गया है, 3 किलोमीटर आसपास हमने कवर कर लिया है 1.5 घंटे के अंदर ही, और 1 किलोमीटर के आसपास का और सफ़र पेंडिंग है, वो भी कंप्लीट करते हैं। ये गणपति बप्पा मोरिया, हर हर महादेव। सो गाइस, पहुंच गए हैं तुंगनाथ मंदिर के पास, हर हर। यहाँ से दिख गया महादेव जी का गुम्बद, ऊपर से जो पानी बह के आ रहा है, इतना टेम्परेचर डाउन है कि पूरा का पूरा पानी जम चुका है फिलहाल। ये है आकाश कुंड, फिलहाल तो अभी इसमें पानी नहीं है, थोड़ा भी पानी नहीं है इसमें और ना ही आ रहा है पानी इसमें। तो चलते हैं अपन मंदिर की तरफ।
होटल्स जो बंद पड़े हैं, जब आप नॉर्मल टाइम में आते हैं तो ये सारे के सारे होटल्स ऑपरेट करते हुए आपको मिलते हैं। यहाँ पे स्टे, यहाँ पे फूड, ये सारी चीज़ें मिलती है जब चारधाम यात्रा स्टार्ट होती है तब। हालांकि अभी चारधाम यात्रा बंद है और तुंगनाथ का भी कपाट बंद है, पर हाँ नॉर्मल टाइम के लिए ट्रैकिंग चालू की गई है, पर कपाट तो फिलहाल बंद है। तो मंदिर से ठीक पहले ही एक रास्ता कट जाता है जो कि चंद्रशिला जाता है। चंद्रशिला यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है, तो चंद्रशिला भी जाएंगे। फिलहाल पहले महादेव जी का दर्शन करते हैं। तो सामने है तुंगनाथ महाराज का गेट। हर हर महादेव, शिव शंभु, हर हर भोलेनाथ। तो फिलहाल गाइस इस तरीके से देख सकते हो मंदिर बंद कर रखा है। पहले वहां तक अलाउड था, पर फिलहाल इस समय वो भी बंद कर दिया है इन लोगों ने। तो देखते हैं कुछ जुगाड़ हो पाया तो अंदर से दिखाएंगे, अदरवाइज सॉरी आपको अंदर से मंदिर नहीं दिखा पाऊंगा। हर हर महादेव, शिव शंभु, भोलेनाथ, जय शिव शंभु। भाई साहब, जितना मेरे से पॉसिबल हुआ उतना इस समय आके यहाँ पे टॉप पे मंदिर के इस भाग में आके आपको दिखा चुका हूँ। ठीक पीछे मेरे है तुंगनाथ महादेव जी, और हालांकि कपाट बंद है। राहुल भैया, और इनका आज जन्मदिन है, देख सकते हो। बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे इनका ये चीज़। ये अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करने तुंगनाथ आए हैं, और वो भी केक के साथ, ये देख सकते हो। तो आइए महादेव के शरण में इनकी केक काटते और इनका बर्थडे सेलिब्रेट। सो फाइनली हो गया है महादेव जी का दर्शन, डन। चलते हैं ऊपर। तो फाइनली तुंगनाथ जी का दर्शन करके अभी मैं कर रहा हूँ ट्रैक चंद्रशिला के लिए, जो कि 1 किलोमीटर का ट्रैक है और बहुत ही ज़्यादा स्टीफ है, थोड़ा सा ऑफ रोड है, रास्ता प्रॉपर नहीं बना हुआ है। और वो रहा हाईएस्ट पे, फटाफट इसका दर्शन करते हैं और नीचे भी डाउन। तुंगनाथ जाने थोड़ा सा ऊपर आने के बाद चंद्रशिला से कुछ यूँ दिखता है व्यू। वाह भाई साहब, चंद्रशिला की ट्रैकिंग देखिए आप, सीधी एकदम स्टीप लाइन 1 किलोमीटर, और ऊपर रेड कलर की झंडी दिख रही है आपको, वो है चंद्रशिला। हाँ, हर हर महादेव। मुंबई ठाणेकर के बंदे मिल गए मुझे। फीलिंग वेरी ऑसम। हेलो गाइस, आई एम फ्रॉम ठाणे, बेसिकली फ्रॉम कॉलेज स्टूडेंट विजिटेड मुंबई। वी कम हियर फॉर द ट्रैक, इट वाज वेरी नाइस एंड ऑसम ट्रैक, बट आई विल सजेस्ट यू कैरी द वाटर विद यू। पानी तो मेरे से मांग के पी रहा है, ठीक है, पानी मेरे से मांग के पी रहा है, सजेशन आपको दे रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे सो गाइस, देख सकते हो मैं अभी कहां पे खड़ा हूं। मैं हूं चंद्रशिला टॉप पर। तो भाई इतना भी हार्ड ट्रैक नहीं है, कर सकते हो आराम से, जिस तरीके से मैंने बताया वीडियो में उस तरीके से मैच्योर होके आइए और मेंटली प्रिपेयर होके आइए, अदरवाइज डाउन कर जाओगे। तो थोड़ा जल्दी आइएगा और जल्दी ट्रैक स्टार्ट करके जल्दी नीचे जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे और कुछ तो है नहीं। जय मार, जय बजरंगबली, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, हरा हरा महादेव।
चंद्रशिला टॉप से देख सकते हो। क्वारी पास में मैंने जितने भी टॉप्स दिखाए थे आपको वो सारे के सारे पीक्स यहाँ से दिख रहे। वाओ, लुक एट द व्यू, सचिन गुड वाइब यार, मजा आ गया ट्रैक करके। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब यहां से नीचे की तरफ देखिए, पूरा का पूरा धुंधला हो रखा है। एक मिनट है भाई, पूरा का पूरा धुंधला हो रखा है, बादल नीचे और हम बादलों के ऊपर। वाओ, तो फाइनली चंद्रशिला का भी दर्शन हो गया है कंप्लीट। अभी चलते हैं नीचे क्योंकि मेरे ड्राइवर का बार बार फोन आ रहा है, तो चलते। प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम। टाइम टू लीव तुंगनाथ, इस समय बज रहे हैं 4, क्योंकि यहाँ पे इस समय शाम भी जल्दी हो जाती है और ट्रैक पे कोई लाइट की पोल वगैरह तो है नहीं, तो मैं नहीं चाहता किसी चीज़ का तकलीफ हो जाए, तो इसके लिए। और जो चूंकि मुझे कैसा लगा दर्शन करके, अरे बहुत मजा आया। और शुभम भाई भी बहुत अच्छे हैं, इसके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, लाइक करें। थैंक यू, बहुत बढ़िया इंसान है भाई ने। भाई ने जो बोला थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अच्छा, बहुत बढ़िया आएगा, बहुत बढ़िया है, मजा आएगा, मजा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फाइनली ये रहा वो गेट जहां से सुबह हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी, एंड अगेन आ गए यहाँ पे 1 घंटे में ट्रैक करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्लान। हाय, बोलो हाय। आपका नाम बताओ। हाय। आप गए थे ऊपर, बताओ कैसा लगा। बहुत अच्छा, ठीक। सो फाइनली तुंगनाथ ट्रैकिंग होती है यहाँ पे कंप्लीट और हम निकलते हैं किसी और जगह के लिए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट जरूर करिए कैसा लगा आपको ये ब्लॉग। और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।